प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन एवं कन्या राशि वाले जातकों के विषय में। कन्या राशि वाले जातकों की सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कौन से मंत्र का जाप करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, आपके समस्त कार्य जो लगातार रुके रहते हैं, आपकी वह इच्छाएं जो आप पूरी करना चाहते हैं, वह आप किस देवता की उपासना करके उसको पूर्ण कर सकते हैं, आपके जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण रत्न कौन कौन से हैं, और जन्म कुंडली खोलते के साथ ही आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुरंत पॉइंट आउट करना चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए, यही सब बातें आज की वीडियो में करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में विलंब न करते हुए इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पर कन्या राशि से नौवीं राशि पड़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और आपका जो भाग्य रत्न ओपल है। अब बहुत सीधी सी बात है कि आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करती है वृषभ राशि। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, अनेक प्रयास करने के बाद भी आपका भाग्य आपका साथ कम देगा, और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है, स्ट्रांग है, तो फिर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब सबसे पहले हम ग्रहों की डिग्रियां चेक करते हैं, जन्म कुंडली में ग्रह की अवस्था क्या है। तीन अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो कोई, और चौथी होती है मृत, यानी कि मरा हुआ। तो कोई भी ग्रह अति बाल्यावस्था में अपना ना के बराबर फल करता है। ये 30 डिग्री होती हैं एक राशि, ये 30। तो कोई भी ग्रह 0 से लेकर 3 डिग्री तक मृत अवस्था में रहता है, 3 से लेकर 10 तक बाल्यावस्था में रहता है, 10 से लेकर 20 तक युवा रहता है, 20 से लेकर 27 तक बूढ़ा रहता है, 27 से लेकर 30 तक वह फिर मर जाता है, मृत अवस्था में रहता है। तो अगर कोई ग्रह 3 से लेकर 6 डिग्री तक है तो यह भी कमजोरी है, अति बाल्य, यानी कि बहुत छोटा। शुक्र की स्थिति देखनी है वहाँ पर, और शुक्र यदि अति बाल्यावस्था में है, 6 डिग्री से नीचे है, या बहुत बूढ़ा है, लगभग 24 डिग्री के ऊपर है, तो आपको तत्काल ओपल रत्न धारण करना चाहिए, नवरात्रों के व्रत रखने चाहिए, नवरात्रों में विशेष साधना करनी चाहिए, और किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर के परमानेंट देवी के किसी भी एक बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त विघ्न बाधाएं निश्चित रूप से कम टाइम में दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। अब दूसरी चीज आपको देखनी है जन्म कुंडली में बुध की स्थिति, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध का भी यहाँ पर रोल है, तो यही चीजें बुध के साथ हैं। अगर किसी भी दृष्टिकोण से बुध कमजोर है तो बुध का रत्न और गणेश जी की उपासना आपको करनी चाहिए। उत्तम शिक्षा की प्राप्ति के लिए अच्छे ज्योतिषी की सलाह से आप नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। कौन सा रत्न आपको धारण करना है यह आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह कमजोर है। अब जो बीमारी है वही तो दवा खाएंगे, पूरा मेडिकल स्टोर तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर विशेष यही है कि तीनों ग्रह, यानी कि बुध, शुक्र और शनि, इनकी स्थिति का अध्ययन करके इनसे संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। रत्नों के बारे में मैंने बताया, उपासना के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपके लिए जो शुभ वार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। रविवार का दिन आपके लिए अपव्यय को बढ़ाने वाला, यानी कि बिना मतलब के खर्चों को बढ़ाने वाला हो सकता है। रविवार के दिन कन्या राशि वाले जातक, कन्या लग्न वाले जातक
बिना मतलब के जो खर्चे हैं उनसे बचें, कोई बड़ा लेन देन ना करें, कोई बड़ी डील ना करें, किसी महत्वपूर्ण कागज पर अपने साइन ना दें। चूँकि कन्या से 12वें स्थान में पड़ती है सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, तो रविवार का जो दिन है आपके लिए वह अनावश्यक खर्चों को बढ़ाने वाला हो सकता है। तो यह थी कन्या लगन एवं कन्या राशि वाले जातकों के विषय में कुछ छोटी छोटी पर बेहद महत्वपूर्ण बातें। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।